हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉन्ग मैकेनिक पर। दोस्तों, यूपी बीएड 2019 से आपके काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे, उसी के माध्यम में हम ये वीडियो आपके लिए बनाए हुए हैं। और इसमें हम आपको जानकारी देंगे कि गवर्नमेंट कॉलेज, एडेड कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे आप लोगों के आंसर की आपकी कब आएगी। तो आंसर की जो जानकारी यूनिवर्सिटी के पास से मिली है वो यही है कि आपकी जो आंसर की है वो यहाँ तक आ जाएगी आपकी मई के फर्स्ट वीक तक, फर्स्ट वीक ऑफ मई में आपकी आंसर की आ जाएगी। और 15 मई को आपका जो है यहाँ पर रिजल्ट आपका आ जाएगा, और 15 मई तक आपको इंतज़ार करना होगा रिजल्ट के लिए। तो दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा फास्ट प्रक्रिया इस बार की है महात्मा गांधी ज्योतिबा फुले यूनिवर्सिटी रोहेलखंड यूनिवर्सिटी बरेली की ओर से। और दोस्तों, 3000 प्लस आपके कॉलेज जो हैं बीएड के लिए, उनकी पूरी की पूरी लिस्ट हमने अपनी वेबसाइट somacademy.org पर पब्लिश की हुई है आपके लिए। तो आप वहाँ से अपना जो है एक बार देख लें उस लिस्ट को, आपके आसपास में कौन सा कॉलेज है, वहाँ पर जाकर आप अच्छे से जानकारी प्राप्त कर लें। तो कॉलेज की लिस्ट आपको देखनी ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको टाइप करना होगा somacademy.org, गूगल सर्च करने के बाद आपको मिलेगा वेबसाइट के होम पेज पर लिखा हुआ मेनू ऑप्शन, मेनू ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद कुछ कॉलम आएंगे, उसमें एक आएगा आपका बीएड 2019-21, तो ये चॉइस आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको पूरी जानकारी जो बीएड 2019-21 के बीच है, महत्वपूर्ण जानकारी से आपको मिल जाएगी, गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट मिल जाएगी, प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट मिल जाएगी, कट ऑफ और अन्य जानकारी भी आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप इस पर ज़रूर विजिट करें। आप देख लेते हैं गवर्नमेंट कॉलेज, एडेड कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज का अंतर। तो ध्यान से वीडियो को समझिएगा और पूरा वॉच कीजिएगा, वॉच करने के बाद लाइक और शेयर भी जरूर करें। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आपके आ रहे थे, क्या बिना एंट्रेंस एग्जाम के भी एडमिशन संभव है। कुछ दोस्तों का एंट्रेंस एग्जाम छूट गया था 15 अप्रैल को, और कुछ दोस्तों ने इस बार फॉर्म अप्लाई नहीं किए थे किसी कारणवश, तो वो भी एडमिशन लेने की इच्छा रखते हैं बीएड कॉलेज में। तो उनके लिए हमने आपको बताया है कि माइनॉरिटी कॉलेज और साधारण कॉलेज दो तरीके के आपके कॉलेज होते हैं। माइनॉरिटी कॉलेज में आपको विशेष जो जाति समुदाय होती हैं उनका जो है एडमिशन की संभावना रहती है, तो इस प्रकार के कॉलेज में आपका बिना एंट्रेंस एग्जाम दिए भी एडमिशन हो सकता है। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जैल अल्पसंख्यक समुदाय कॉलेज हैं, इसी तरीके से अन्य जातियों के भी कॉलेज हैं जिनमें माइनॉरिटी की सीटें होती हैं, उस पर आपका एडमिशन हो सकता है बिना एंट्रेंस के भी। लेकिन जो बचे हुए कॉलेज है, साधारण कॉलेज है, जिनमें किसी जाति विशेष का निश्चित नहीं है, वहाँ पर आपका एडमिशन नहीं हो सकता बिना एंट्रेंस दिए। और ये जो कॉलेज हैं, ये 97% कॉलेज साधारण कॉलेज की श्रेणी में आते हैं, 3% कॉलेज ऐसे होते हैं जिनमें माइनॉरिटी की सीटें होती हैं, वहाँ पर आपका एडमिशन हो सकता है। तो दोस्तों, जिन दोस्तों को ऐसा कॉलेज यदि आपके आस पड़ोस में है तो आप कॉलेज लिस्ट में देख सकते हैं और वहाँ पर जाकर संपर्क कर सकते हैं। बाकी आपका अन्य कॉलेजों में एडमिशन नहीं होगा यदि आपने एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है। चलिए बात कर लेते हैं कॉलेजों के बारे में। सरकारी कॉलेज के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे। तो सरकारी कॉलेज और सहायता प्राप्त कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज, तीन प्रकार के आपके कॉलेज होते हैं। सरकारी कॉलेज वे कॉलेज होते हैं जहां पर पूर्णतः सरकारी, जो सरकार के अनुदान पर चलता है, उनको कहा जाता है सरकारी कॉलेज। यहां पर देखिए, यहां पर होता है सरकार से सहायता प्राप्त, सरकार से सहायता प्राप्त। सरकार इन कॉलेजों को जो है अनुदान देती है विशेष रूप से, और ये कहलाते हैं एडेड कॉलेज। यहाँ पर कुछ हिस्सा जो है सरकार अनुदान के रूप में इन्हें देती है, और यहाँ पर ये सरकारी कॉलेजों की तुलना में थोड़े महंगे होते हैं। उसके बाद आप प्राइवेट कॉलेज को आप सभी जानते ही होंगे, आपका निजी कॉलेज है। तो गवर्नमेंट कॉलेज में यदि बात की जाए तो फीस यहाँ पर काफ़ी कम मात्रा में रहती है। सबसे बड़ा फायदा इसका फीस का होता है। फीस यहाँ पर 500 से 2000 रुपये तक आपकी हो जाती है। दूसरी बात करते हैं एडेड कॉलेज में यदि फीस की बात की जाए, तो एडेड कॉलेज में जो आपकी फीस है वो 2000 रुपये से आपकी जो है 10000 रुपये तक आपकी हो जाती है।
तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है एडेड और सरकारी कॉलेज में। काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स के लिए आए थे आपके, इसीलिए वीडियो आपको बनाना पड़ा। और प्राइवेट कॉलेज की आपकी फीस, आपकी जो क्षेत्र है, आपके जो आस पड़ोस के कॉलेज हैं, आप वहाँ से जाकर प्राप्त कर सकते हैं। इसकी जो कॉलेज की फीस है 25,000 से आपका जो है यहाँ पर 60,000 रुपये तक आपकी हो सकती है। तो वो आपकी कॉलेज की गुणवत्ता पर निर्भर करता है कहाँ पर कितनी फीस है। तो देखिएगा ध्यान से, फीस के बारे में हमने आपको बता दिया, अब बात करते हैं मान्यता। तो देखिएगा मान्यता, काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि हमने प्राइवेट से किया है, सरकारी कॉलेज से बीएड किया है, तो मान्यता उसकी क्या है, क्या इतनी ही जो पावरफुल डिग्री प्राइवेट कॉलेज की है इतनी ही सरकारी कॉलेज की है। तो इस बारे में भी हम आपको बताएंगे कि मान्यता सभी की क्या होती है, बराबर होती है। सरकारी कॉलेज हो या एडेड हो या प्राइवेट हो, बीएड सबके लिए समान रूप से उपयोगी होती है। लेकिन क्या होता है, यदि आप प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करना चाहते हैं, प्राइवेट जॉब आप करना चाहते हैं टीचिंग की, तो वहाँ पर आपको जो है सरकारी कॉलेज जो है बेस्ट माना जाता है। यदि आपने बताओगे, आपके रिज्यूम में लिखा हुआ है कि आपने सरकारी कॉलेज से बीएड किया है, तो आपको वे पहले चुनेंगे। उसके बाद आपका सेकंड नंबर पर आपका जो है एडेड कॉलेज आता है, ये भी काफ़ी अच्छे समझे जाते हैं। तो इनका भी जो गुड परफॉर्मेंस माना जाता है बीएड के क्षेत्र में, यदि आपने एडेड कॉलेज से भी किया है, बाकी प्राइवेट कॉलेज से भी किया है, तो भी आपकी जो है मान्यता सभी सरकारी जॉब के लिए इक्वल होगी। सभी जो है डिग्री समान होगी, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन प्राइवेट जॉब के लिए आपको जो है बेहतर जो माना जाता है गवर्नमेंट कॉलेज माना जाता है। तीसरी बात कर लेते हैं, यहाँ पर जो अन्य जो खर्चे हैं, शुल्क हैं वगैरह हैं, उनका क्या रोल है। छात्रवृत्ति के बारे में भी हम बात करते हैं। तो छात्रवृत्ति यहाँ पर जो आती है वो लगभग 6,000 से 8,000 रुपये तक आपकी आ जाती है। यदि छात्रवृत्ति की बात की जाए तो 6,000 रुपये से 8,000 रुपये तक आपकी स्कॉलरशिप आ जाती है। यदि सहायता प्राप्त में बात की जाए तो यहाँ पर देखिएगा, हम कह सकते हैं कि छात्रवृत्ति के बारे में यदि बात की जाए कितनी स्कॉलरशिप आपकी आती है, तो हम आपको बता दें कि यहाँ 6,000 से 15,000 रुपये तक आपकी स्कॉलरशिप आ जाती है। और दोस्तों यहाँ पर जो है 100% स्कॉलरशिप आती है जो भी कोई अप्लाई करता है। इसी प्रकार से एडेड कॉलेज में भी आपकी 100% स्कॉलरशिप आती है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो या एसटी हो, तो आपकी जो स्कॉलरशिप है वो 100% आती है यदि आप अप्लाई करते हो। अप्लाई नहीं करते हो तो आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज में छात्रवृत्ति की यदि बात की जाए तो हम कह सकते हैं कि छात्रवृत्ति जो है आपकी यहाँ पर देखिएगा 25,000 से आपकी जो छात्रवृत्ति है वो 60,000 रुपये तक आपकी आ जाती है। और ये जो छात्र की पॉसिबिलिटी रहती है कि छात्रवृत्ति कितनी आए, कितने किसे किसे मिलेगी, तो 50% आशा रहती है जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए आपकी स्कॉलरशिप आने की। एससी और एसटी के लिए जो स्कॉलरशिप है यदि आप अप्लाई करते हैं, तो एससी एसटी के लिए जो स्कॉलरशिप है वो 100% आती है प्राइवेट कॉलेजों में। तो यही ज़्यादा बड़ा कारण है कि एससी एसटी को कुछ प्राइवेट कॉलेज जो हैं फ्री में भी एडमिशन दे देते हैं, उनकी स्कॉलरशिप वे स्वयं रख लेते हैं। ये एक तरीके का समझौता होता है एससी एसटी कैंडिडेट और कॉलेज के बीच। ऐसा नहीं है कि फ्री फीस में आपका एडमिशन हो जाए, लेकिन वो क्या करते हैं, आपकी स्कॉलरशिप के बेस पर आपका एडमिशन ले लेते हैं। तो दोस्तों मुख्य बड़े अंतर यही थे सरकारी कॉलेज, एडेड कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में। यदि कुछ और आपका डाउट है तो प्लीज़ हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।